महोदय, आपके नेता बोल रहे। मैं सदन में लाए गए विश्वास मत के विरोध में खड़ा हूं। मैं विरोध में इसलिए खड़ा हूं महोदय, क्योंकि 2015 का जो मैंडेट मिला था, जिन गरीब गुरबाओं ने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, प्रगतिशील वर्ग ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोर तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। मैं कुछ पीछे जाकर के पहले की बातें मैं बताना चाहूंगा और मैं सदन के नेता के तरफ से जवाब की अपेक्षा करूंगा कि पूरा देश और बिहार की जनता इन सवालों का जवाब मांग रही है। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया? जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाए गए महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं, तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि ये चार सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था, 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था, या इसका कारण मांझी जी थे, या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहाँ बैठना पड़ता है, तो यहाँ लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? और हम तो बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ सरकार में हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको 2013 में नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों किया? इसका क्या कारण था? क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था? क्या आप लोगों ने इंटरफेरेंस सरकार में करने का काम किया था? इसका जवाब आप भाजपा के लोगों को देना चाहिए। दूसरा, कितनी भद्दी भद्दी गालियां आप लोगों ने, अपनी मनपसंद की गालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया, हम बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप ये देखिए, आपके पास 91 MLA था बॉस, 91 MLA। हम आप लोगों से बोल रहे हैं,
बीजेपी को एड्रेस कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया आपस में टोका टोकी नहीं करें, और जैसे अभी नेता विरोधी दल बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सारा सदन इसी शांति से उसकी सबकी बात सुनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास, जब भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं, भाजपा के लोग। ये जवाब आप लोगों को भी फील्ड में जाकर के देना पड़ेगा। और सारी बातें विस्तार रूप से हम प्रकट करना चाहेंगे सदन में, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो 20 महीने थे सरकार में, वो 29 महीने से काफी बेहतर था। 29 महीने का मतलब, जब नीतीश जी सरकार में थे, ये दो जून 16 से 13, 16 जून 2013 से 20 नवंबर 2015, यानी 29 महीने इनके, और 20 महीने जब हम थे। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब सरकार था तो सब कुछ अच्छा था, और इनके 29 महीने में किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं वो सबको पता है। लेकिन महोदय, ये हारने से ही नहीं बल्कि उनका राजनीतिक वजूद खत्म होने से, नीतीश जी का जो हारने से ही नहीं हम लोगों ने बचाने का काम किया आरजेडी और कांग्रेस ने, इनका राजनीतिक वजूद भी आरजेडी और कांग्रेस ने बचाने का काम किया था महोदय। ये हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जहां तक छवि की बात है, जहां तक विकास पुरुष की बात है, तो जब जब ये विकास पुरुष अकेले चुनाव लड़े, और ये पूरा देश जानता है कि नीतीश जी का कितना बड़ा आधार है बिहार की राजनीति में, आपको कुछ आंकड़ा हम गिनाना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी जब अकेले लड़े 1995 में, तब झारखंड और बिहार एक था, 324 सीटें हुआ करती थी, लेकिन मात्र केवल 7 सीट पे ये समट करके आ गए। और ज्यादा दूर नहीं जाना है, 2014 के इलेक्शन में महोदय, 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में जब ये जदयू अकेले लड़ा था, तो केवल मात्र 2 सीट पे ही सिमट के रह गए। शायद ये इनके छवि का ही असर है, इनके जो काम का ही शायद असर है, जो बिहार की जनता, जब जब नीतीश कुमार जी अकेले लड़ते हैं तो इक्का दुक्का सीट पे ही सिमट के रह जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं या तो भाजपा के तरफ या तो आरजेडी की तरफ आना पड़ता है। तो कौन सी सिद्धांत, कौन सा विचारधारा, कौन सी नैतिकता, ये बिहार की जनता जानना चाहती है नीतीश कुमार जी से और मुख्यमंत्री जी से, ये कौन सा विचारधारा है। महोदय, जो आरोप हम पे लगे, हमारे परिवार पे लगे, ये 4 महीने 5 महीने से सुशील मोदी जी बैठे हैं, ये लगातार आरोप लगाते रहे। जब आरोप लगा तो जदयू के लोग खामोश क्यों थे? उस समय जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं थी। सुशील मोदी जी के कहने के अनुसार तो वो कहते थे कि बड़ा उनके पास सबूत है। तब जदयू के प्रवक्ता कुछ दिन पहले तक अमरूद खाते रहे, चुप्पी साधी रखी, क्यों नहीं तब कोई कुछ बोला। और ये आरोप एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, एकमात्र एक्सक्यूज कि नीतीश जी भाजपा में क्यों कैसे जाएं, इसका एक्सक्यूज ढूंढने के लिए ये सुनियोजित ढंग से पहले से ही ये कार्यक्रम इन लोगों का चल रहा था, मिली भगत थी कि किस प्रकार से महागठबंधन छोड़े और भाजपा में जाने का काम करें। पूरी तरीके से प्लानिंग की गई महोदय। और इस प्लानिंग में जो
परसों रात जिस तरह से बातें हुई, तुरंत हर्बर में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन दिया, इसका हमको बहुत दुख है। हमको इसका इसलिए दुख है कि जो महागठबंधन के जो कार्यक्रम चल रहे थे और दो साल इनके अंतर्गत हमने काम किया, और सच बताएं तो हमारा कभी भी मुख्यमंत्री जी पे या आरजेडी का या हमारे नेता लालू जी का कभी भी कोई ऐसा दबाव नहीं रहा। हमने पूरे विश्वास के साथ इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी। और मुख्यमंत्री जी हमको हमेशा कहा करते थे, अशोक चौधरी जी भी को भी कहा करते थे कि अब आप ही लोग भविष्य हैं, आप लोगों को लड़ना है। लेकिन लड़ना किससे है, किससे ये कहते थे, इनका मतलब क्या था, संघियों से, भाजपा से। और ये भी बोलते थे कि ये लोग बहुत बड़े साजिश करता है, इन लोगों से आप लोग बच के रहिएगा और देश को भी बचाने का काम कीजिएगा आगे, हम लोगों को तो उम्र खत्म हो गया, राजनीति समाप्त हो गया, अब आप ही लोगों को देखना है। तब क्या आज क्या बात आ गई, आज क्या बात आ गई। देखिए सुशील मोदी जी हंस रहे, आपको शर्म नहीं आया सुशील मोदी जी कि आप सत्ता में आ गए? आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ? आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब तो सरकार में है सभी, अब तो सरकार में है, अब तो सरकार में सुनने की आदत डाल लीजिए, बैठ जाइए। महोदय ये शर्म कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो है नहीं, शर्म कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो है नहीं। माननीय सदस्यगण आप बीजेपी के साथ सरकार चली गई, बैठिए, विरोधियों को यहां भी नहीं बोलने दिया जाएगा। अब बैठिए, बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो अच्छा बोल रहे थे, उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, उसको अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है महोदय, क्यों हटाया जाए? चलिए अनपार्लियामेंट्री, अरे आप बैठिए ना, आप बैठिए। सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं, रख लीजिए। आपको समय मिलेगा बोलिएगा, आपका समय अलॉट है, आप बोलेंगे, आपके नेता बोलेंगे, बोलने दीजिए। नौजवान की आवाजों को दबाया जाता है, युवाओं का आप लोग विरोध करते हैं, बोलने दीजिए। जो भी असंसदीय शब्द का उपयोग होगा उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए, हम लोग इसका इस्तेमाल भी उपयोग भी नहीं करेंगे। आप अपनी बात जारी रखिए महोदय, अरे बैठिए ना, बैठिए। लगातार एलिगेशन रहते रहे, अब तक मेरा ये कहने का मतलब रहा कि ये सुनियोजित ढंग से पहले से ही इनकी बातचीत तय थी, इनको तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी में जाना था, इसलिए ये सारा ढकोसला किया गया। और मुझे दुख होता है कि एक 28 साल का नौजवान, एक उप मुख्यमंत्री, और बिहार में जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है युवाओं की 60%, आज जब युवा डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में बैठता है तो किस किस प्रकार से नेगेटिव राजनीति हो रहा है। 28 साल की उम्र में हम हर चीज देख रहे हैं, झूठा मुकदमा भी झेल रहे हैं 28 साल की उम्र में, लेकिन 28 साल के उम्र में ये जितने झूठे मुकदमे, जितना अन्याय, अरे आप सब लोग बैठिए, महोदय आप क्या गलत बोल दिया? आप तेजस्वी जी, जी हम कहना चाहते हैं कि 28 साल के उम्र में क्या क्या हमको नहीं देखना पड़ रहा है, और इतने कम उम्र में
शायद ही कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक करियर में ये शुरुआत के दौर में ये सारी चीजें झेल रहा हो। मेरा कहने का मतलब है कि जितने युवा, हम जैसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, जो अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं, देश को प्रगति के ओर ले जाना चाहते हैं, वो आज दुखी होगा, उदास होगा, मायूस होगा कि देखो नौजवान को मोहरा बना करके कोई अपनी छवि बनाने में लगा हुआ है, कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। ये बिहार की जनता और देश का नौजवान ये देखने का काम कर रहा है। इसका जवाब आप लोगों को, बिहार की जनता और देश की जनता को देना पड़ेगा कि ऐसे युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना काम किया दो सालों में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं ईमानदारी की। इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि इनको पता होगा कि पथ निर्माण विभाग हमारे पास था और जितने वर्किंग डिपार्टमेंट थे, पहले जितने टेंडर के फाइल आते थे, ईओटी के फाइल आते थे, वेरिएशंस के फाइल आते थे, वो मंत्रियों तक आते थे। हमारे आने के बाद हम प्रपोजल लेकर के गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, कैबिनेट से हमने प्रपोजल पास कराया कि मंत्री के पास कोई टेंडर का फाइल नहीं आएगा, कोई वेरिएशन का फाइल नहीं आएगा, कोई ईओटी का फाइल नहीं आएगा। लेकिन कैबिनेट में किन लोगों ने विरोध किया ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब बताइए, टेंडर का फाइल, वेरिएशन के फाइल का आने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? हमने कमिटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में, मंत्रियों को तो पता नहीं होता है कि कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, किसको कितना एक्सटेंशन देना है, नहीं देना है। आज अगर वो होता, गलती से अगर हमारे पास टेंडर का फाइल आया होता, क्योंकि प्रपोजल तो इंजीनियर देता है, तो हमको भी फंसा दिया जाता, बोला जाता कि इन्होंने धोखा दिया, टेंडर सिफारिश की या काम किया। तो ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि हमने किस प्रकार से ईमानदारी से अपने डिपार्टमेंट में काम करने का काम किया। तो आज देश का नौजवान दुखी होगा महोदय। और जब रेट पड़ा था तो मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ गए थे, राजगीर जाना पड़ा, मीरा कुमार जी को आना था तो बीमार पड़ गए। लगातार आप देखे होंगे राष्ट्रपति का चुनाव, दो बैठकें हुई, एक दिन पहले भी बैठक से पहले सोनिया जी से नीतीश कुमार जी मिले, बातें की, एजेंडा पे बातें की या किस पे बातें की, लेकिन विपक्षी एकता के बारे में तो लगातार बोलते रहे मुख्यमंत्री जी। अचानक से क्या हुआ कि बैठक में ना जा करके अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ लंच करने का काम करते हैं। तो ये बातें, हम लोग इतने अनजान और इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पहले से ही इनका मन बना हुआ था आप लोगों के साथ जाने का। महोदय, लगातार लालू जी ने प्रयास किया कि महागठबंधन अटूट रहे, जनता का मैंडेट का सम्मान रहे। लगातार जब राजगीर गए मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य का बीमार पड़े, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन लगातार फोन करते रहे। ये बताया गया कि शायद बीमार हैं, बात नहीं हो सकती है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं आया या एक बार भी इस विषय पे हमसे नहीं बात की गई कि आप इस्तीफा दीजिए। ये बातें क्यों नहीं पूछी गई? नीतीश कुमार जी भी यहाँ बैठे, हम 40 मिनट इनके कमरे में भी बैठे थे, यही बात हो रही थी कि एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए, जो माहौल है इसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपके लिए भी ठीक रहेगा। और आपको पता होगा उस रेजिग्नेशन तो हमसे मांगा ही नहीं गया, तो उस पर बात ही क्यों की गई? भाजपा तो कोई आरोप लगाता रहा, कितने और भी आरोप इन दो सालों में नीतीश जी पे और जदयू के लोगों पर लगाया गया, क्या उस पर संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया? तो हम इन सारे विषयों में नहीं जाना चाहते। मेरा यही कहने का मतलब है महोदय कि हमारी कोशिश लगातार रही कि महागठबंधन एक रहे, अटूट रहे। और जब नीतीश कुमार जी को मैंने साफ तौर पे ये भी कहा, इतने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, नीतीश जी आप बताइए कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम किसको जवाब दें और क्या जवाब दें, आप ये भी ड्राफ्ट करके हमको दे दीजिए, हम बोलने के लिए तैयार हैं। इतना कुछ हमने कहा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, क्या है नहीं है जानकारी नहीं थी या क्या था, लेकिन हमने ये भी बोला कि जो FIR हम पे हुआ है, हमारे परिवार के ऊपर हुआ है, इसमें कई टूटियाँ हैं, कई गड़बड़ियाँ हैं महोदय। अगर जो हमने जितने भी
एडवाइस लिए हैं, लीगल एडवाइस लिए हैं, उनका यही कहना था कि अगर आप इसको आप लोग बोलिएगा तो इसमें जितनी टूटियां हैं बाद में, क्योंकि केंद्र की एजेंसियां हैं महोदय, बीजेपी की सरकार है, वहां कई चीजें जो है एफआईआर में मेकअप कर लेगी, उसलिए लीगल प्लेटफॉर्म से हमसे जहां पूछा जाएगा हम तो तैयार है बोलने के लिए, उससे हमको इनकार कहां करना है। लेकिन ये बताइए कि 2 साल में हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलत काम किया, कौन सा ऐसा अपराध किया कि आज ये करने की नौबत आ गई। सही ढंग से हम लोगों ने विकास की बातें की, विकास का काम किया, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात की, नौजवानों को हमने जोड़ने का काम किया। लीगल प्लेटफॉर्म से हमसे जहां पूछा जाएगा हम तो तैयार है बोलने के लिए, उससे हमको इनकार कहां करना है। लेकिन यह बताइए कि 2 साल में हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलत काम किया, कौन सा ऐसा अपराध किया कि आज ये करने की नौबत आ गई। सही ढंग से हम लोगों ने विकास की बातें की, विकास का काम किया, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात की, नौजवानों को हमने जोड़ने का काम किया। हम लोग तो हमेशा नौजवानों के प्रति चिंतित रहे, पिछड़े वर्ग, दलित पिछड़े वर्ग, आपको पता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और थोड़ा समय दिया जाए महोदय, अभी बहुत, अभी तो शुरुआत है, अभी कई एक ऐसी ऐसी चीजें जो बोलनी है वो हमको कहना है, लेकिन समय सीमा देखनी पड़ती है। आज थोड़ा आज हम लोगों का दिन होना चाहिए। बोलिए, आप बोलिए महोदय। ये हम कहना चाहते हैं कि ये जितना जो ढंग, ये जितना ढकोसला हुआ, ये केवल और केवल एक इंडिविजुअल के छवि को लेकर के बनाने के चक्कर में ये हुआ, और नरेंद्र मोदी जी का भाषण तैयार करने के लिए कि बिहार किस मुंह से आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो वादे पूरे नहीं किए, और अमित शाह ने तो कह दिया था कि भाई वो जुमला था, हम लोग तो रोजगार के लिए बोलते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दो, 15-15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में दो, काला धन लाओ, आप तो वहां से जाइए स्विस बैंक से लेकर के आइए, याद दिलाते थे, गंगा सफाई योजना की बात करते थे, मेक इन इंडिया का क्या हुआ वो बताइए, जितनी योजनाएं थी, या नोटबंदी में कितने नोट छपे, कितने पुराने नोट जब्त हुए, कैसे उनको नष्ट किया जाए, कोई हिसाब नहीं है। पहले तो एक एक दिन पर रिपोर्ट आता था, इतना जमा हो गया, इतना जमा हो गया, लेकिन ये दुनिया का पहला खजांची होगा RBI जिसको ये नहीं पता कि कितने नोट छपे, कितने नोट रद्द कैसे किया गया, कितना उस पर खर्चा किया गया, तो ये जवाब हम मांगते रहे। लेकिन बिहार किस मुंह से आते, हम लोग तो मांग कर रहे थे बिहार को स्पेशल स्टेटस दो, स्पेशल पैकेज दो, जो घोषणा आ रहा है आप लोगों ने बिहार की बोली लगाने का काम किया था, आज उस समय बिहार की बोली लगाई गई, आज हो सकता है बीजेपी ने मुख्यमंत्री जी का और जेडीयू का भी बोली लगा दिया हो। महोदय, अमित शाह जी ने यह कहा, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज नहीं रहेगा जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। आज भले ही जदयू सबसे गठबंधन में अपने NDA में बड़ी पार्टी हो बिहार में, लेकिन जदयू की जो विचारधारा है उससे विपरीत मुख्यमंत्री जी जदयू के नेता निकले। जदयू की ये लड़ाई थी कि पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जो अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी बात करने का काम करेंगे। लेकिन उनको ठग करके आज भाजपा के साथ ये लोग चले गए, ये साफ जाहिर होता है कि ये पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। और महोदय, बातें कई की गई, विशेष पैकेज तो अब तक मिला नहीं, ये 4 साल अगर बर्बाद नहीं किया होता तो हो सकता था कि विशेष पैकेज भी मिल गया होता, तो इसका जवाबदाही कौन देगा, हो सकता विशेष राज का दर्जा भी मिल गया होता, इसका जवाबदेही कौन है। अफसर कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसकी सरकार आएगी तो किस पे क्या कार्रवाई हो जाएगी, काम नहीं कर पाते ठीक से, ऐसे भी अधिकारियों की इतनी कमी है सरकार में, हम लोग खुद मंत्री रह करके भोग चुके हैं, इंजीनियरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, ये इसका जवाब कौन देगा। तो इन सब चीज़ों पे खैर हम लोगों को तो आगे भी करते रहना है, हम लोगों को तो मैदान में भी जाना है, जनता को भी सारी बातें करनी है। लेकिन ये बताइए महोदय,
लालू जी पे तो पहले से फॉर्डर केस चल रहा था, फॉर्डर स्कैम का, वो तो पहले से ही टेंटेड थे। तो क्या इनको पता नहीं था कि आरजेडी करप्ट पार्टी है या लालू जी पे जो आरोप लगे हैं वो करप्शन का लगा है? तब क्यों ये आए जब इनका वजूद खत्म हो गया था? तब हमारे पास क्यों आए? तब हमारे साथ सरकार क्यों बनाने का काम किया? महोदय, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का 125वां साल शताब्दी हम लोग मनाने का काम किए मुख्यमंत्री जी के साथ, हमको लेके गए मुख्यमंत्री जी। ऐसा नहीं है कि कुछ हमको ये सारी चीज़ें हमको बुराई लगती, ऐसा नहीं था। लेकिन अब वहाँ बैठ गए हैं जिनके साथ बैठ गए हैं, या हो सकता था जो चेहरा, जो असली चेहरा जो अंदर था वो बाहर उस समय नहीं था, इसलिए हम भी कंफ्यूज कर गए थे। अब सामने आ गया है। लेकिन ये बताइए, बापू के हत्यारों के साथ जिन्होंने चंपारण की बात की, सत्याग्रह बनाने की बात की, गांधीवादियों को बुला करके यहाँ विज्ञान भवन में, ज्ञान भवन में हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, क्या क्या बातें आपने मुख्यमंत्री जी उस समय कहा था? आज क्या परिस्थिति बनी कि आज एक तरफ गांधी के हत्यारे के साथ आप गले मिलने का काम किए? आपकी दोहरी नीति है? ये कौन सा विचारधारा, कौन सी सिद्धांत, ये कौन सा विचारधारा, कौन सा सिद्धांत? एक तरफ गोडसे, एक तरफ गांधी, शांति शांति। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल गांधी जी का भी इस्तेमाल करने का काम किया है, उनको भी इस्तेमाल करने का काम किया है, कोई विचारधारा नहीं। महोदय, संघ मुक्त भारत की बात बोलने दीजिए, पूरी बातों को रखने दीजिए। आज संघ मुक्त भारत की बात, ए भाई वीरेंद्र जी, लाले जी, अरे अरे बैठिए, विजय सिन्हा जी, आप लोग मत बोलिए, उन लोगों को बोलने दीजिए, हम अकेले काफी है, आप लोग बैठे रहिए, हम अकेले काफी है, आप लोग बैठे रहिए। सुनिए, संघ मुक्त भारत, संघ मुक्त भारत किसने कहा, किसने इसका अभियान छेड़ने की बात की? और हम तो मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के उनके साथ खड़े थे, उनके पीछे खड़े थे, कि जो मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे संघ मुक्त भारत की, उसका साथ हम लोग पूरी तरीके से हम लोग तैयार थे देने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी संघियों के आगे झुक गए, रणछोड़ हो गए महोदय, और 28 साल का नौजवान नहीं डरा इन भाजपाइयों से, आरएसएस से, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने बड़े होने के बाद, इतने कद्दावर होने के बाद वो डर गए महोदय, उनके तरफ नमस्तक हो गए। ये बताइए, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं जाएंगे, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये किनका स्टेटमेंट है? मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। कोई विश्वास करेगा अब नीतीश कुमार जी पर? कोई विश्वास करेगा बिहार की जनता, देश की जनता? हे राम से महोदय, हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए, हे राम महात्मा गांधी और जय श्री राम गोडसे, कौन सी विचारधारा के साथ है महोदय आप बताइए? रेजिग्नेशन का ड्रामा हुआ, रेजिग्नेशन का ड्रामा हुआ, तेजस्वी जी इधर, रेजिग्नेशन का ड्रामा हुआ, तुरंत इन्होंने इस्तीफा दिया, जिससे नहीं देना चाहिए था। हमारे नेता लालू जी ने यह भी कहा था, प्रस्ताव भी दिया था कि भाई आप कोई तीसरा नेता चुन लीजिए, तीसरा नेता इसलिए चुन लीजिए महागठबंधन के विधायक दल का बैठक बुलाकर, क्योंकि नीतीश कुमार जी पे भी मुकदमा चल रहा है, 302 का मुकदमा चल रहा है, इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का, मर्डर का, आर्म्स एक्ट का, सारे मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में है, लेकिन न्यायालय देगा? और आज तक हमने तो कभी भी एक्सप्लेनेशन देते हुए मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना। सुशील मोदी जी पे क्या आरोप नहीं है, क्या FIR नहीं है? 120 का उन पे भी है, मेरे पे भी है, तब उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्यों मुख्यमंत्री का शपथ ये लिए? और इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी हड़बड़ाहट में 5 बजे शपथ लेना था, 5 बजे शपथ लेना था, तो 10 बजे क्यों किया गया? और हम तो गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब को बताया
कि संविधान के हिसाब से जो स्ट्रेंथ होता है महोदय, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दे करके गवर्नर को बुलाना होता है महोदय, महामहिम राज्यपाल को बुलाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग खुद चल के गए। लेकिन हमें मौका कब दिया गया? जब हमको जाना था गवर्नर हाउस, पहले तो इस्तीफा दे करके आ गए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत बधाई 5 मिनट के अंदर ही दे दी ट्वीट कर करके। फिर बीजेपी ने बोला, ऑफर दिया कि भाई अब नीतीश जी तय करे कि जाना है कि नहीं आना है एनडीए में। फिर तुरंत देर बाद मिल जाते हैं, समर्थन दे दिया जाता है, एनडीए का नेता चुन दिया जाता है, आते हैं, इतने देर में गवर्नर साहब बीमार हो जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, आते हैं अस्पताल से तो मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं। तो हमें मौका कब मिला? ये तो देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है, हमें दावा करने का मौका कहां मिला? फिर भी हमने गवर्नर साहब से मिलकर के बोला कि रिव्यू कर लीजिए, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने के हिसाब से वो हो गई। अब महागठबंधन तो टूटा नहीं, महागठबंधन तो टूटा नहीं, कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाए, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी तो इंटैक्ट था, और हमारे साथ कई ऐसे विधायक भी थे, डीएनए का गाली दिया गया महोदय, बड़ा बड़ा कैंपेन चलाया गया, लोगों ने लिखा बोर्ड पर लिखा, भेजा गया पीएमओ भेजा गया। ये डीएनए का गाली देने वाले लोग आज कैसे किस मुंह से भाजपा के साथ वापस चले गए, ये देश की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है महोदय। और आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होगा महोदय, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होगा। आज ये राज्य सरकार में भी है और केंद्र में भी है महोदय। हम पूछना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार जी कोई ऐसा कानून नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के बनाना चाहेंगे कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर FIR होता है तो उनको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, तब मानेंगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है? वो छोड़िए ना, बैठिए, तड़ी पार लोग बता रहे हैं, तड़ी पार तेजस्वी जी, अरे नेता नेता प्रतिपक्ष महोदय, महोदय महोदय, शराबबंदी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया था, शुरू से ही नीतीश कुमार जी के साथ करे, और हम तो नीतीश जी को भी बोला था ये हमारे गुरु समान है और हमारे चाचा थे हैं और आगे भी रहेंगे, हम व्यक्तिगत तौर पे हम इनका लगातार सम्मान करते रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से जिस तरह से सारी चीजें हुई, जो इनकी रणनीति रही, जो इनका पॉलिटिक्स करने का जो तरीका रहा, इससे हम दुखी हैं, क्योंकि आज इनके साथ ये बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि शराबबंदी का, पूर्ण शराबबंदी का जो कानून बना था, भाजपा के लोग यहीं बैठे हुए थे, आप महोदय सब साक्षी हैं, तालिबानी कानून क्या, अरे इधर तेजस्वी जी इधर, ठीक है, आज तालिबानी, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष आप उधर ना फंसे, ठीक है, अब आप ही को देख के बोलेंगे, तालिबानी कानून का क्या होगा? अब बिहार में शराबबंदी तो हो गई है, बीजेपी तो विरोध में थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया, जब यहाँ गुरु नानक जी की जब ये सारा इवेंट चल रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी की, तब प्रधानमंत्री जी आए थे, तब मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री जी को कि पूरे देश में आप लागू कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस समय किस प्रकार से कटे हुए सबको पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि किस हिसाब से, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या अब मुख्यमंत्री जी पूरे देश में पूर्ण रूप से शराबबंदी करवाएंगे? अगर नहीं करवा पाए तो क्या इस्तीफा देंगे? ये हम लोग जानना चाहते हैं, और समय सीमा बता दी जाए। अब तो आप उधर भी हैं, इधर भी हैं, पूरा देश आपका है, भगवाकरण करना है, तो अब तो क्यों नहीं करा रहे हैं आप? क्या आपकी जो स्वीट डीलिंग हुई थी, क्या ये भी एक डील का पार्ट बना या नहीं बना? मोदी जी से आपने बोला कि आप पूर्ण रूप से देश में शराबबंदी कीजिए तब हम एनडीए में आते, अगर ये बात हुई होती तो भी अच्छा होता, तब आपके पास एक अच्छा एक्सक्यूज होता, लेकिन एक निर्दोष को बदनाम कर करके, एक परिवार को बदनाम करके, फंसा करके जाना, ये कहाँ से उचित है? ये सारा कॉन्स्पिरेसी रचा गया हम लोगों को दबाने के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए महोदय।
महोदय और पाँच मिनट घड़ी देख लिया, पाँच छह मिनट ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। न्याय के साथ विकास की बात, न्याय के साथ विकास की बात करने वाले आज पूरे बिहार के साथ इन्होंने अन्याय करने का काम किया और विनाश करने वालों के साथ इन्होंने समझौता करने का काम किया। महोदय ये न्याय के साथ विकास नहीं। महोदय नीतीश जी ने कभी भी हमसे रिजाइन नहीं मांगा, एक बार ये बोल देते कि आप रिजाइन दे दीजिए तो शायद हमारी हम लोग हो सकता था अगर खुद बोलते, लेकिन माहौल ऐसा झूठा बनाया गया प्रवक्ताओं का। हमको तो यही लगता था कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि हम रिजाइन दें, हमको तो यही लगता था क्योंकि उन्होंने तो कभी बोला नहीं था। और मीडिया में जो बातें चलती है, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि उन बातों को ही गौर नहीं करते, ऐसी चीजें वो सुनते नहीं है, तो हमें तो पूरा लग रहा था कि ये नहीं चाहते कि हम इस्तीफा दें। मांगा ही नहीं गया तो इस्तीफा देना है ना देना की बात कहाँ आ गई। लेकिन क्या इनको क्या दुविधा हुई कि भाई कौन सा ऐसा प्रेशर हम लोग डाल रहे थे या ऐसी कोई बात कर रहे थे कि भाई आप चले जाइए बीजेपी में या महागठबंधन छोड़ने की मजबूरी थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। महोदय हम ये कहना चाहेंगे कि हम पे आरोप लगा, राजेडी पे आरोप लगा, लालू जी पे आरोप लगा कि तेजस्वी यादव के चक्कर में, पुत्र मोह के चक्कर में लालू जी ने ये महागठबंधन तोड़ा। हम तो कहना चाहते पुत्र मोह का कोई चक्कर नहीं था, पुत्र मोह होता तो हम मुख्यमंत्री हमको बनाया जाता और नीतीश जी से मिलते भी नहीं। हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए गठबंधन किया था महोदय, और पुत्र मोह से ज्यादा भाई मोह ज्यादा था महोदय, भाई मोह ज्यादा था कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आई तो भी मुख्यमंत्री आपको हम लोगों ने बनाने का काम किया। महोदय तेजस्वी जी अब एक मिनट, आप पांच मिनट भी नहीं हुआ महोदय, हम देख मिनट, डेढ़ मिनट हुआ है महोदय, डेढ़ मिनट अभी साढ़े तीन मिनट और बोल लेने दीजिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सारी बातें मोटा मोटी तौर पे आ ही गया है महोदय। लेकिन जो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग और गौ रक्षक लोग जो आज देश में सर्टिफिकेट घूमते फिर रहे हैं कि कौन नेशनलिस्ट है कौन एंटी नेशनलिस्ट है, आज मुख्यमंत्री जी पहले एंटी नेशनलिस्ट थे बीजेपी के लिए, आज बीजेपी में जाने के बाद वो नेशनलिस्ट हो गए। ये अब तक बुरे थे मुख्यमंत्री जी, मतलब जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा और जो सच्ची बात बोलेगा वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाता था, लेकिन अब नेशनलिस्ट हो गए हैं, अब तो वो बात आएगी नहीं। जो लिंचिंग चल रहा है पूरे देश में इस पर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे नहीं, और बीजेपी ऐसे लोगों पर कितने आरोप लगे, कितने आपके ऐसे मुख्यमंत्री हैं चाहे योगी आदित्यनाथ पे कितने संगीन मामले रहे, क्या मुख्यमंत्री जी उनको भी हटाने का काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से, केशव प्रसाद मौर्य का रिजिग्नेशन लेंगे, वसुंधरा राजे का देंगे, शिवराज चौहान का लेंगे, या अनेकों ऐसे बीजेपी में हेडक्वार्टर में या यहाँ के कितने केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ बैठिए ना, खत्म कर रहे हैं, इसमें तो कुछ बोले नहीं है। गिरिराज सिंह के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं घर से, हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं मिला लेकिन गिरिराज सिंह के यहाँ से करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो क्या हम दो बात बोलकर के हम स्पष्ट करते हैं, दो बातें हम ये कहना चाहते हैं। आज तमाम सारे विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं, खास करके जदयू के विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, गरीब गुरबा ने, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और देश बचाने की बात और बीजेपी भगाने की बात की थी, वैसे मैंडेट जो लिया उन लोगों ने, उन विधायकों ने, आज उनके गरीब पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के मैंडेट का आप लोग ख्याल रखने का काम कीजिए, अपमान करने का काम मत कीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोग अपनी विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और हम सदन को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, बिहार को और देश को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं महोदय कि हम लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के साथ
साजिश चल रही है, हम लोग और मजबूती के साथ इस विचारधारा को कायम करने का काम करेंगे महोदय। अब समाप्त कर और मैं इस विश्वास मत के खिलाफ हूँ। ठीक।